आज ना ये मैं भरवा भिंडी बना रही हूँ। भिंडी की सब्जी जो कट करके बनती है तो मेरे यहाँ खाते सभी हैं, बस प्रांजल को छोड़ के वो नहीं खाता है। तो वो ना अगर हम मैं इस तरह से बना देती हूँ भरवा भिंडी तो बहुत अच्छा लगता है, उसे पसंद आता है, वो भी खा लेता है। फिर ऐसे लगता है ना कि बच्चे हैं और कुछ इस तरह से हम बनाते रहें, जिससे बच्चों को हर हर सब्जी खिलाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जी हो, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं, बट मैं ये हमेशा प्रयास करती हूँ कि भाई एक बाइट तो लो, टेस्ट तो करो। इस तरह से मैं हर सब्जी अपने बच्चों को खिलाती हूँ। ऐसा मेरे कोई बच्चे इस तरह से नहीं है कि हम ये सब्जी नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे सभी सब्जियाँ खाते हैं। मैं भी खाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ सारी सब्जी। पहले ना मैं ये दाल रख देती हूँ, तो ये मैंने दाल रख ले लिया है, पानी डाल दिया है, और इसमें मैं ये हल्दी डाल दूँगी। मैंने ये अरहर की दाल मैं बनाती हूँ मॉर्निंग में, कोई भी दाल बन जाती है, बट ज़्यादातर मैं अरहर की दाल ही बनाती हूँ। और ये हल्दी नमक डाल दिया है, और ये जो आम की खटाई नहीं होती है वो हमने डाला है, क्योंकि इससे ना बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है दाल में। तो आज मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी। ये मैंने भिंडी ले ली है, मैंने इसे धुल के और इसे ना मैंने अच्छे से पोंछ के ये साफ़ कर लिया है। ये देखिए पानी नहीं है इनमें, ये मैंने साफ़ कर लिया है। और ये मैंने दो प्याज ले लिए हैं, और ये मैंने लहसुन एक लहसुन ले लिया है। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ना अभी मैं ये भिंडी को इस तरह से इसे मैं कट कर लेती हूँ, ये इस साइड भी और इस साइड भी। और कट करने के बाद मैं इसमें इस तरह से बीच में ये कट लगा देती हूँ, ये ऐसे इस तरह से। और इसी तरह मैं सारी भिंडियों को कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह। चलिए मैं इसके ना मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैं पहले प्याज ले लेती हूँ, प्याज हो गया। उसके बाद मैंने इसमें ये लहसुन डाल दिया, मैंने लहसुन को ये क्रश कर लिया था, तो ये मैं लहसुन डाल दी हूँ। उसके बाद मैं इसमें ना ये अमचूर पाउडर ड्राई मैंगो वो डाल दूँगी। और उसके बाद मैं ये मसाले ले लूँगी। इसकी रेसिपी, इसका कैसे मैं बनाती हूँ इसे मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं ये हल्दी, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं अभी कढ़ाई रख दे रही हूँ, मैंने कढ़ाई रख दिया है। और सरसों के ऑयल में ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी सी बनती है, तो ये मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है। और अभी मैं ये भिंडी डाल दूँगी, और ये प्याज जो खड़ी डाली है तो क्रंची से आएगी तो हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये मैंने ढक दिया है। उसके बाद मैं ना ये मट्ठा बना लेती हूँ, तो ये मैंने दही ले लिया है, एक गिलास दही मैं रात में जमा देती हूँ, और उसी में थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें काला नमक डाल के, और मैं इसे मिक्सर में थोड़ा सा बस ग्राइंड कर लूँगी, और ये फिर मेरा मट्ठा तैयार है। मैं और माँ जी ही खाते हैं और बच्चे नहीं लेते हैं मट्ठा। फिर मैं इसमें जीरा पाउडर दूँगी, इसमें इसे फ्राई भी कर सकते हैं, बट हमें ऐसे ही पसंद है तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और ये देखिए मेरी भरवा भिंडी रेडी है, और आप लोग बताइएगा कैसे बनी है।
और लंच में हमारे यहाँ यही है, दाल चावल और ये भरवा भिंडी मट्ठा है और रोटी, बहुत अच्छा लगता है ये, सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी सा। तो बच्चों को क्या है ना कि दिन में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो अभी मैंने ये इस टॉफ़ी से वो बना लेती हूँ, आइसक्रीम बना लेती हूँ। ये आइसक्रीम की मैंने बहुत सारी रेसिपी डाल रखी है, आप लोगों को मैं लिंक डाल दूँगी, ज़रूर से चेक करिएगा, बहुत अच्छी अच्छी आइसक्रीम और बहुत ही टेस्टी, तो ज़रूर से एक बार बनाइएगा आप लोग। हेलो, अभी ना भावना गई है, अच्छा उसकी ना कॉलेज की तरफ से कुछ गई है आज, होटल में सबको बुलाया गया रेस्टोरेंट में, तो अभी मैं जा रही हूँ उसे लाने। टाइम क्या हो गया है? अच्छा 10:30 हो रहा है, तो चलिए ले आती हूँ उसे। अभी उसकी कॉल आई थी कि मम्मा वो कैब बुक कर लूँ या आओगी लेने, हम कह कि नहीं रुक जाओ बेटा मैं लेके आती हूँ। पता नहीं फैन चल रहा है, आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, चलिए ले आती हूँ उसे। एंजल आ जाओ, गेट लगा लो बेटा। हाँ चाबी ली हूँ। मोबाइल मैंने तो ले रखी है, आप कि जैसी मर्जी। बच्चा गेट लगा लो बाबा, बाय। चलिए ऐसे चलते हैं।
कहीं जाओ तो मेरा तो पॉकेट से निकला भी नहीं था, थोड़ा बहुत मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ऐसे बनाया था जब मैं आप कुछ बोल रही थी, उसके बाद अभी एंड में आते आते फोटोज देखो मेरे फोन में नहीं है। आईफोन वालों को ढूंढ रहे थे लोग, किसके पास आईफोन है उसके फोन से फोटो खींचे। बता दो मैंने खाया बहुत कुछ, टेस्टी टेस्टी आइटम था, मैं क्या बताऊँ, मैंने सब खाया था, थोड़ा पेट निकल गया। बहुत कुछ खाया मैंने, पास्ता खाया, चिली पनीर खाया, चिली पोटैटो खाया, और कोको कोला, पेप्सी, सब नान, फ्राइड राइस, पास्ता, सैलेड, क्या हो गया मेरे को भी को।